हेलो दोस्तों, आज से कुछ महीने पहले मैंने अपने इसी YouTube चैनल टेक्ट्रोनी पे एक वीडियो पोस्ट किया था इंडक्शन कुकटॉप से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, उस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और बहुत सारा प्यार भी दिया, बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए गए उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। फिर बट उस वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा कॉमन जो एक कमेंट था वो ये था कि जब भी आप एक नया इंडक्शन कुकटॉप खरीद के लाते हैं तो उस समय इसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है। जी हाँ दोस्तों, एक स्टिकर होता है जिसके ऊपर मैनुअल इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं किस टाइप के बर्तनों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपका इंडक्शन लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये सारी चीज़ें उस पर लिखी होती हैं। उस स्टिकर्स को निकालना दोस्त बहुत ही दिक्कत होती है, उसे निकालने में बहुत ही हार्ड ग्लू से उसे इस इंडक्शन के ऊपर चिपकाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये था कि उस स्टिकर को कैसे निकाले। तो फ्रेंड, अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने अपने लिए मार्केट से एक इंडक्शन लेके आया तो मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम आई। इस पर भी जो स्टिकर लगा हुआ था वो काफ़ी इजीली निकलने वाला नहीं लग रहा था मुझे, और जिसकी वजह से मुझे भी लगा कि ये बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इस पर वीडियो बनाना तो बनता है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि इस स्टिकर को आप कैसे बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, और बिल्कुल कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से ये छोड़ देता है स्टिकर, बहुत ही ईजिली निकल जाता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले फ्रेंड, आपको करना ये होगा कि आपको कोई एक ऐसा बर्तन लेना है जिस बर्तन के जो उसका जो तला है वो काफ़ी चौड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे पास एक कुकर है और इस कुकर का जो तला है वो उस स्टिकर के लगभग बराबर ही था। मेरा जो स्टिकर था वो लगभग इसके ऊपर लगा हुआ था, ये जो वाइट सर्किल है इसी के आसपास लगा हुआ था, और आप देखिएगा कि जब मैं इस बर्तन को इस पर रखूँगा तो ये चारों तरफ से वाइट सर्किल ढक जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह से वाइट सर्किल चारों तरफ से ढक जाएगा। ये ऐसा इसलिए करना है क्योंकि फ्रेंड, जो उस स्टिकर में ग्लू लगा होता है वो स्टिकर जब भी बर्तन आपका गर्म होता है, जब ये कांच की प्लेट आपकी गर्म होती है तो उस समय वो ग्लू पिघलने लगता है, और पिघलने के बाद आप एक कपड़े से बहुत ही इजीली उस स्टिकर को उतार सकते हो, और उतारने के बाद जो उस पर बचा हुआ ग्लू है वो धीरे धीरे एक से दो दिन में कपड़े से साफ करते करते क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसके लिए करना क्या होगा कि आपको इस टाइप का एक बर्तन लेना है जिसका तला उस स्टिकर से थोड़ा बड़ा हो या फिर उसके बराबर हो, स्टील का या फिर इंडक्शन वाला जो भी बर्तन आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें आपको रखना है पानी, हाफ फिल करिए, आधा भरिए इसको पानी से, और फिर यहाँ से जैसा कि मेरा यहाँ पे सप्लाई है मैंने इसे ऑन कर दिया, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो इंडक्शन है वो ऑन हो चुका है, और मैं यहाँ से इसे ऑन कर दूंगा। ऑन करते ही ये गर्म होना शुरू हो चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ क्योंकि ये खाली है, तो फालतू में बिजली खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह से आप उसे ऑन कीजिए और उस पानी को आप खोलने दीजिए। आपका एक दो से तीन मिनट के अंदर पानी खोलना स्टार्ट हो जाएगा, और चार से पाँच मिनट के अंदर पूरा पानी जो है आपका वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अपना कुछ यूज़फुल चीज़ भी उस पर रख सकते हो, जैसे दूध वगैरह, जैसे मतलब उसमें कुछ होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। और उसके बाद से जब ये पूरी तरह से ये प्लेट जो है हीट हो जाए, देखिए जैसे मैं अभी छू रहा हूँ तो प्लेट हल्का हल्का, एक सेकंड, यहाँ पे हल्का हल्का भी हीट हो गया, अभी धीरे धीरे पूरा प्लेट हीट हो जाता थोड़ी देर चलाता, तो उसके बाद से फ्रेंड ये जो इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है वो ग्लू बहुत ही इजीली छोड़ देगा और आप उसे वाइप आउट कर सकते हैं। तो ये है बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान तरीका जिसके ज़रिए आप अपने इंडक्शन कुकटॉप के ऊपर से लगाया हुआ जो ग्लू है उसे बहुत ही ईजिली हटा सकते हो। तो आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप में से किन लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही थी और अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है तो शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस आज के इस वीडियो में यही था, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।